हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूं आज की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो है मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने बीई बीटेक और बीएससी किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो, और साथ ही साथ जो लोग भी फ्रेशर कैंडिडेट हो वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हो। और मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो इसमें जो सैलरी आप लोगों को मिनिमम मिलने वाला है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करता हूं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे स्टडीपी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, इन सभी चीज़ को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहां मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पे देख सकते हो, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो चुका है वो 29/4/2022 से हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है 28/5/2022 तक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे आपका जो बहाली होने वाला है असिस्टेंस इंजीनियर और असिस्टेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपका बहाली होने वाला है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया है, अगर आपने गेट 2022 पास किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने स्पर्श में ही ऊपर लिख दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो चीज़ दिया गया है आपको अपने से पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ अप्लाई का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका गेट 2020 मार्क्स ही इसमें चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो वैकेंसी है वो केमिकल वालों के लिए है, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 20 पोस्ट है, और गेट 2022 अगर केमिकल इंजीनियरिंग से आपने पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बीई बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए है, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है 20 पोस्ट है, और गेट 2022 अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर से पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो अगर आपने बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिविल वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो सिविल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 सीट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गेट 2022 अगर आपने सिविल इंजीनियर से पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर आपने बी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में मैं बता दूँ तो 6 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, और इसमें जो आपने गेट 2022 अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मतलब ट्रिपल ई वालों भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बता दूं तो 7 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, और जो लोग भी गेट 2022 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से पास किए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बी बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेटलर्जी के लिए है, आप लोग देख सकते हो, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट निकाला गया है 1 सीट निकाला गया है। अगर आपने गेट 2022 मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बी बीटेक मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है 6 सीट निकाला गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो लोग भी गेट 2022 अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पोस्ट है वो केमिस्ट्री वालों के लिए है, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे 2 सीट निकाला गया है।
अगर आपने गेट 2022 अगर केमिस्ट्री से निकाला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री से किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो चीज दिया गया है सब आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रिजर्वेशन किस पोस्ट पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो ये आप अपना देख लेना, जो भी जिस कैटेगरी से आते हो आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ दिया गया है ये सब आपको पढ़ लेना है। और साथ ही साथ मैं इसमें बता दूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो लोग भी अप्लाई करोगे उनका 40% ही डिसेबिलिटी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ दिया गया है ये सब आपको पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओबीसी वालों के लिए क्या रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो। एससी और एसटी वालों के लिए क्या रिजर्वेशन दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, मतलब जो भी जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो उनको क्या रिजर्वेशन दिया गया है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो लोग भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट, जिनका मैंने शुरू में बता दिया कि 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से आते हो वो अपना यहाँ पे डिसेबिलिटी देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो आपका, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो आपको सैलरी इसमें पे स्केल मिलने वाला है 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपको मिलने वाला है, प्लस में आपका DA, HRA और ये सब आपको इसमें साथ ही साथ मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड दिया गया है, तो ये सब आप अपना देख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अपर एज लिमिट के बारे में बता दूँ, तो मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी इसमें कुछ दिया गया है, ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए ओनली इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है, तो गेट 2022 आप इसमें पास होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि बीटेक में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, 59.99% अगर रहेगा तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो चीज दिया गया है ये सब आपको पढ़ लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री जो होना चाहिए, बीई, बीटेक और बीएससी वाला, वो 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो होगा गेट 2022 के आधार पे होगा, और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो गेट के आधार पे बनेगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे। तो ये जो सभी चीज दिया गया है ये सब आपको पढ़ लेना है। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, तो ये सभी चीज आपको पढ़ लेना है जो भी दिया गया है। और इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है मैं वही चीज बताता हूं, तो आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो चीज दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप इस पर मेल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ मैं इसमें एप्लीकेशन फी के बारे में बता दूं, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है, इसमें आपका ओनली 100 रुपया ही लग रहा है। जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसेज मैन से आते हो उनका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज जो है यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप लोगों को यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, उसके बाद आप वहाँ से साइन इन करके आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेना है अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उस समय, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आप यहाँ पे देख सकते हो। कैटेगोरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, जो जिस कैटेगोरी से आते हो वहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख लेना, और उस कैटेगोरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो ये सभी चीज़ जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो ये सभी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट एंड लिंक्स दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 28/5/2022 जो है इसका कट ऑफ डेट निकलेगा। और साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसका 29/4/2022 से शुरू हो रहा है, और इसका लास्ट डेट जो है 28/5/2022 तक रखा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे कट ऑफ डेट मतलब वही हुआ, आपका लास्ट डेट हो गया वही, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू जो है आपको जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर जाके फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आपको फॉलो एवं ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि उस पर मैं सबसे पहले अपडेट देता हूं, तो आप लोगों को अपडेट से वंचित नहीं रहना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन सभी जरूरतमंद इंसानों को इस जॉब के बारे में पता चल सके। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमारे TDP चैनल पर ऑटोकैड का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।